नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे जिसमें पूछा जा रहा था कि सर कुवैत में पैकिंग से जॉब से रिलेटेड पूरी डिटेल बताइए। तो यहाँ पे हम सैलरी के बारे में बात करेंगे, पैकिंग जॉब कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वीजा लिया जाता है, डिटेल्स इसमें हम जानेंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं भैया कुवैत में पैकिंग जॉब से रिलेटेड। तो आप यकीन मानो भाई, कुवैत में वर्ल्ड में करेंसी के मामले में वर्ल्ड में अगर बात करें करेंसी की, तो सबसे बड़ी और भारी करेंसी कुवैत की है। जो कुवैत का एक दिनार इंडिया का 250 रुपये बनता है, इंग्लैंड का जो यूरो है वो भैया एक यूरो का 100 रुपये बनता है, और अमेरिका का जो डॉलर है वो 1 रुपये का 80-82 रुपये बनता है। तो भैया ये तो आद में भी नहीं है समझ लो। तो कुवैत में सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है, इसमें डिटेल से बात करेंगे, पूरे डाउट भी क्लियर करेंगे। अगर आप जाना चाहते हैं या जा रहे होंगे तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट यहां पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हम आज बात करेंगे कुवैत में पैकिंग जॉब, ये जो चार टॉपिक मैंने लिखे हैं, जो पैकिंग जॉब कितने प्रकार का होता है इस पे भी बात करेंगे। आपको तो ये लग रहा होगा पैकिंग तो पैकिंग होता है, पैकिंग जॉब बहुत प्रकार के होते हैं, सबकी अलग अलग तनख्वाह होती है। मैं क्लियर कर दूं, सैलरी कितने प्रकार की मिलेगी आपको, जॉब कैसे मिलेगा आपको, एजुकेशन आपकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, जॉब का इंटरव्यू कैसे होगा, ड्यूटी टाइम कितना होगा, और वीजा चार्ज कितना होगा, या फिर एजेंट्स कहां से मिलेगा, तो इस पे हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर ले भाई पैकिंग जॉब कितने प्रकार का होता है। तो आपको पहले ध्यान में रखने की बात है भाई, पैकिंग जॉब का मतलब यह नहीं होता कि किसी सामान को बनाया और उसको पैक कर दिया, वो पैकिंग होता है अच्छी बात है, लेकिन पैकिंग के प्रकार कितने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझे भैया, एक तो आपको सब्जी मार्केट में सब्जी की पैकिंग करनी है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं भैया, क्या टमाटर है कुछ भी सामान है उसको पैक करना है, तो वो पैकिंग जॉब हो गया। एक सामान वो है जो सामान को खरीदने का मूल्य है 1 लाख रुपए एक प्रोडक्ट का, तो वो पैकिंग में इस पैकिंग में कितना डिफरेंस हो गया, रात और दिन का हो गया ना। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको कहीं कंफ्यूज होगी यार सैलरी तो आप ज्यादा बता रहे हो, इतनी तो मिलती नहीं है भाई, पैकिंग में कौन देता है। बिल्कुल देता है, पैकिंग के जॉब में आप सैलरी सोच नहीं सकते उतनी ज्यादा मिल जाती है। सब्जी पैक कर रहे हैं थैलियों में डाल रहे हैं तो भैया उस हिसाब का पैकिंग हो गया। एक प्रोडक्ट है एसी को पैक करना है, 40,000 का प्रोडक्ट हो गया, कितना डिफरेंस हो गया। पैकिंग तो सेम है लेकिन काम करने का तरीका और वर्कर की जो सिस्टम है ना वो अलग अलग होंगे दोनों के काम करने का तरीका। तो पैकिंग जो बहुत प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो किसी मार्ट में जाते हैं, बड़ा मॉल है वहां पे जाते हो, 3-4 मंजिल का मॉल है, वहां पे हजारों आइटम हैं, तो सबकी पैकिंग तो सबका हुआ, ये नहीं कि सामान का पैकिंग नहीं हुआ, वहां पे हजारों आइटम है सबकी पैकिंग हुई है, लेकिन पैकिंग करने का एक तो 1 रुपये का प्रोडक्ट लेते हो उसकी भी पैकिंग हुई है, टॉफी मान लो टॉफी की पैकिंग हुई है वो भी लेबर ने काम किया है, और वहीं पर आप 1 लाख का कोई सामान खरीद रहे हो उसकी भी पैकिंग हुई है वो भी किसी लेबर ने पैकिंग किया है, तो क्या तनख्वाह सेम रहेगी। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना इस मामले में। तो पैकिंग के मामले में समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भैया सैलरी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए मैंने आपको एग्जांपल समझ दिया कि आज समझाया कि भैया एक आपको छोटा मोटा कोई सामान पैक करना है, जैसे लेबर में आपको सब्जी पैकिंग में डाल दिया, भैया आप फ्रूट पैकिंग करो या फिर फूड पैकिंग, रोटियां बन रही हैं खाना बन रहा है उसको पैकिंग का काम करो। एक आपके पास में है कि भैया गोल्ड की ज्वेलरी है इसको पैक करना है, सिल्वर की है या फिर और हाई क्वालिटी जिसकी पैसा लाखों में लगता है उसकी पैकिंग करनी है, तो क्या तनख्वाह सेम रहेगी, आप कमेंट करना। तो मैं जो कैलकुलेशन लगा रहा हूँ ना वो आपको मिनिमम कुवैत में 30,000 से 1 लाख रुपए तक, जी हाँ 1 लाख रुपए तक की पैकिंग की सैलरी जा सकती है। अब इसमें भाई अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं कौन भाई पैकिंग में जॉब कर रहा है तो बिल्कुल कमेंट करके बताना कि आपको कितनी तनख्वाह मिल रही है। मैंने एक रफली आइडिया दिया है कि पैकिंग के जॉब जैसा काम होगा वैसी ही सैलरी होगी, और सबसे बड़ी बात है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होगा आपकी, मान लो लग रहे हैं आप 20,000 से, एक बंदा 20,000 पैकिंग में कमा रहा है, एक बंदा 50,000 रुपए पैकिंग में कमा रहा है, एक्सपीरियंस अगर आप 3-4-5 साल काम कर चुके होंगे तनख्वाह बढ़ जाती है, लेकिन मिनिमम सैलरी 30,000 से शुरू हो जाती है जो आपकी पैकिंग के काम के हिसाब से डिपेंड करेगी। जॉब कैसे मिलता है भाई, देखिए ये भी एक अच्छा सवाल हो सकता है कि कुवैत से रिलेटेड अगर आप जाते हैं तो जॉब पैकिंग में जाना तो सब चाहते हैं क्योंकि इजी काम लगता है सबको, ऐसा लगता है इसी चल रही होगी आराम से अंदर काम कर रहे होंगे, और लगभग होता ही ऐसा है, पैकिंग का काम तो अंडर में ही है ना, अंडर आप किसी रूम में बैठ के बड़ी कंपनी है उस हॉल में बैठ के पैकिंग कर रहे होंगे, लेकिन काम कैसे मिलेगा। पैकिंग के नाम से भाई वीजा आ जाता है तो एजेंट पैसा आपसे 3 गुना मांग लेता है। एक आदमी कुवैत जॉब में जा रहा है 50,000, पैकिंग के नाम से आपके उसी वीजा के 1 लाख रुपए ले लेते हैं, तो इसमें भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पैकिंग का काम ऐसा बात नहीं है कि गल्फ कंट्रीज में पैकिंग होती नहीं है, भैया क्या पैकिंग नहीं होती, क्या सामान वहां पे बनता नहीं है, बनता है ना सामान, या फिर बाहर से आता है तो भी पैकिंग होती है, वो तो कंटेनर में माल आएगा फिर उसको डिवाइड कर रहा है। एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल समझ लो भैया कि आपको मान लो कुवैत में जो सामान नहीं बनता वो बाहर से आ रहा है,
ठीक है, और वो सामान तो इकट्ठा आएगा बोरों में भर के, है ना, कंटेनर में भर के, तो फिर उसको अलग अलग तो करना पड़ेगा, फिर उसको पैक भी करना पड़ेगा, वो कौन करेगा? वो आप जैसे लोग ही करेंगे जो पैकिंग का काम करते हैं, समझ गए? ये एग्जांपल समझो भैया, कुवैत में खजूर ज्यादा होते हैं तो खजूर की पैकिंग हो गई ना, तो ये जॉब आते रहते हैं, इसके लिए आपको मैन पावर ऑफिस में कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा या फिर आपका कोई एजेंट है वो आपको बताया पैकिंग के जॉब आते हैं, ऐसी बात नहीं, नहीं आते हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाते, वो बड़ी ऑफिसों में आते हैं, वहीं वो पूरे हो जाते हैं। तो आप दिल्ली, बॉम्बे या अच्छी अच्छी बड़ी शहरों में बड़ी ऑफिसें हैं वहां कॉन्टेक्ट करोगे, वहां कॉन्टेक्ट करोगे तो आपको जरूर इसमें पैकिंग से रिलेटेड जॉब मिल सकता है। और पैकिंग के नाम पे भाई पैसा ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, कुवैत का गवर्नमेंट फीस तो 35,000 है, 60-70-80,000 रुपए दे सकते हैं, इससे ज्यादा पैसा देते हो तो वो आपको ठग रहा है, ध्यान रखें। एजुकेशन कितना होना चाहिए भाई? एजुकेशन की बात करें तो पैकिंग के जॉब में मैंने शुरू में बताया टॉफी पैकिंग करनी है, उसमें एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आपको सामान रख दिया पैक करते रहो, सब्जी पैक करनी है, रोटी पैक करनी है। एक पैकिंग के भी अलग अलग काम होते हैं, समझ गए? जैसे बुक है मान लो, उसको ऑनलाइन कोई सामान अमेजोन में आप काम कर रहे हैं, पैकिंग करनी है तो उसमें एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये मान लो 10वीं 12वीं तो होना चाहिए यार, आज के टाइम में वो तो सब होता ही है, 10वीं 12वीं तो नॉर्मल आदमी होते ही हैं, जो प्रोडक्ट पे लिखा हुआ जो अक्सर है ना उसको पढ़ सकें, क्योंकि पढ़ने के बिना आप मान लो उसी में कोई मिलता जुलता दूसरा प्रोडक्ट डाल दिया तो ये दिक्कत हो सकती है ना, 10वीं 12वीं एजुकेशन आपकी होनी जरूरी है। और इससे ज्यादा मैंने बताया ना 30,000 से लेकर 1,00,000 रुपये, ये 1,00,000 रुपये वाली कौन सा काम होता है भाई, इसमें हेवी प्रोडक्ट होते हैं, हाई क्वालिटी होती है, विदेशों से इंपोर्ट होते हैं, इंडिया में भी देखा होगा भाई लाखों रुपए करोड़ों रुपए के इंडिया में इंपोर्ट होते हैं सामान, तो उनको पैक कौन करता है, उनको मजदूर थोड़ी करते हैं, हालांकि काम वो पैकिंग का ही है, एक अनपढ़ आदमी थोड़ी कर सकता है इन चीजों को, वो उनके हिसाब से उनको क्वालिफिकेशन उनकी होती है, ट्रेनिंग उनकी होती है, सैलरी भी उस हिसाब से उनकी होती है। जॉब इंटरव्यू की बात करें तो भाई इसका वैसे देखा जाए तो कोई इंटरव्यू नहीं होता है पैकिंग में, नॉर्मल अगर देखा जाए तो किसी नॉर्मल पैकिंग में आपको किसी ऑफिस में काम आया, आपने बोला मुझे जाना है, हो सकता है क्लाइंट इंटरव्यू ले ले, ये कोई ये नहीं कि क्लाइंट इंटरव्यू नहीं होता है। मैन पावर ऑफिस में जाते हो तो भैया इंटरव्यू होके जाओगे, चाहे आपका वो छोटा पैकिंग का काम हो, चाहे आपका बड़ा बड़े बड़े से बड़ा काम हो। और ये जो आप अलग अलग एजेंटों को ढूंढते हैं ना, वो बोलते हैं हाँ जी पैकिंग में भेज देंगे, पता लगे वहां जाके पैकिंग की जगह बोरे उठाने का काम लगा दिया, वो भी तो पैकिंग में आता, भैया बोरा उठाओ डालो पैक करो उनको, 50 किलो का बोरा उठाओ। ये है मैन पावर ऑफिस में जाओगे तो इंटरव्यू हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में आप क्या जानते हैं, या आपने कभी इंडिया में काम किया, आपकी एजुकेशन क्या है, इस सामान को आप कैसे पैक करोगे। हालांकि आप धीरे धीरे जाओगे, ट्रेनिंग होगी, आप सीख जाओगे, लेकिन थोड़ा अनुभव तो होना जरूरी है, लाजमी है। ये तो नहीं कि सर मैं वहां जाके ही सीख लूंगा, इतना ट्रेंड तो भैया कंपनी क्यों लेगी, लेगी तो फिर तनख्वाह आपको ये 30,000 ही नहीं मिलेंगे, उससे भी कम मिल सकते हैं, तो ये थोड़ा गौर करें। ड्यूटी टाइम पैकिंग जॉब में भैया, ड्यूटी टाइम और जॉबों से मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ, और जॉब में मान लो 8+1 आवर्स आपकी ड्यूटी है, लेकिन इस जॉब में भैया 12 घंटे तक जी हाँ आपकी ड्यूटी हो सकती है, क्योंकि पैकिंग का जॉब है ना थोड़ा इजी टाइप में लोग मान लेते हैं, तो इसमें तनख्वाह ठीक मिल जाती है तो भैया ड्यूटी टाइम बढ़ा देते हैं। हालांकि 8-9 घंटे से ज्यादा ड्यूटी लेबर लॉ के हिसाब से नहीं हो सकती, लेकिन कंपनियां करवाती हैं, वो बोल देती हैं वो टाइम दे देंगे आपको, तो 12 घंटे तक भी इसमें ड्यूटी हो सकती है, 10 घंटे तो आप मान के कम से कम चल सकते हैं। बाकी आप जिस ऑफिस से जाओगे तो एक अग्रीमेंट होगा, अग्रीमेंट में पूरी डिटेल आएगी आपकी, इतनी घंटे ड्यूटी है, इतनी छुट्टी रहेगी, ये सिस्टम रहेगा, तो उसको जरूर आप फॉलो करिएगा। वीजा चार्ज की बात करें तो भाई पैकिंग के नाम से कान खड़े करके पैसा ज्यादा देने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वीजा सेम ही है, वही वीजा पैकिंग का चार्ज लगेगा, वही आप दूसरे जॉब में जा रहे हैं, समझ गए? तो वैसे गवर्नमेंट फीस 35,000 है, लेकिन 50-60-70-80-90,000 तक, 1,00,000 रुपए तक तो भाई कुवैत के लोग देके जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा पैसा देना गलत है, मत देना बिल्कुल। तो ये कुछ डिटेल थी, 7-8 टॉपिक पे मैंने समझा दिया। मैन पावर से अप्लाई करोगे, फर्जी लोगों से बचना चाहिए आपको, और भी कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानकारी के साथ। जय हिंद।